सुजुकी बागबन स्ट्रीट EX से देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे LED इंडिकेटर चेंज करने वाले हैं और फ्लैशर लगाने वाले हैं। तो LED इंडिकेटर जो कौन सा वाला है वो दिखा देते हैं। सुजुकी का LED बल्ब है, वो ये 4 टू का दाम है 1199 रुपये, लगभग 1200 रुपये। तो इसके 4 ही सेट आते हैं, तो इसके साथ एक तो वारंटी कार्ड है, देख रहे हो आप लोग स्क्रीन पे। तो ये वाला लगाएंगे और फ्लैशर जो है वो भी लगाएंगे, तो देखेंगे कैसे लगाते हैं और इसका इंस्टॉलेशन फुल दिखाएंगे। बागबन स्ट्रीट EX का और सिल्वर कलर का है। तो ये वीडियो नया लाए हैं हम, तो देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कोलकाता का वेलिंगटन शॉप पे मिला है मेरे को, ये 550 रुपये लिया और 2 साल का गारंटी दे रहा है। इसका फ्लैशर भी 1250 रुपये लिया और 2 साल का वारंटी दे रहा है दोनों का। और फुल वीडियो देखिए आप कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसके जो पीछे जो बैक ऊपर बैक कवर था वो खोल दिया है हमने, उसका वीडियो नहीं बना पाए हम। और यहाँ पे देख रहे हो हाथ नहीं घुस रहा है, इसका जो चैचिस नंबर दिया हुआ है जो जगह है वहाँ पे बहुत छोटा जगह हुआ है, तो इसीलिए इसमें हाथ नहीं घुस रहा है। तो आप लोग कट करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। तो पूरा वीडियो आपको देख लो, पूरा वीडियो एकदम अच्छे से देख लो कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद लास्ट में ट्विस्ट है, फ्लैशर नहीं जल रहा था, उसके लिए क्या करना पड़ेगा सब कुछ देख लो आप। उसके बाद आपका खुद ही कर सकते हो, क्योंकि आप लोग ये वेलिंगटन पे जाके करोगे तो वो लोग 400 रुपया मांग लेगा आपसे, और आप खुद भी खुद घर पे ये लोग ये सब तामझाम खोल करके खुद ही इंस्टॉल कर सकते हो आप लोग। तो अलग से इसको दुकान पे जाके आप लोग को इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा, कुछ वारंटी इशू नहीं होगा, कुछ डैमेज नहीं होगा, कोई वारंटी लॉस नहीं होगा, सब कुछ आपका सही रहेगा। खाली आपको जो जो नट जहाँ से खोलना है खाली याद रखना है, और नहीं तो वीडियो देख लेना कहाँ से कौन सा स्क्रू खोल रहे हैं हम। उसके बाद अंदर से देख के पूरा चेक करके उसके बाद ही आप इंडिकेटर हाथ से खोलो, खोल के चेंज करो, उसके बाद फ्लैशर भी लगाओ। फ्लैशर जो दूसरे वीडियो पे दिखा रहा था कि सामने लग रहा था वो पीछे लगेगा, तो पीछे कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग पूरा देख के उसके बाद ही वीडियो बना के मैंने अपलोड किया हूँ, तो आप लोग पूरा देख के उसके बाद ही खोलो, और घर पे ही खोल सकते हो, कोई वारंटी इशू नहीं होगा, कोई वारंटी लॉस नहीं होगा, सब कुछ सही रहेगा आपका। तो इंडिकेटर और फ्लैशर लगाने के बाद भी कैसे चमक रहा है और कैसा उसका रिस्पॉन्स दे रहा है सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। तो देख रहे हो पीछे का चैसिस खोल दिया है इन लोग ने, फिर भी हाथ नहीं घुस रहा है, इसका भी प्रॉब्लम है। इसका पीछे जो LED जो पीछे वाला जो है उसका भी खोलना पड़ेगा, सब कुछ खोल करके उसके बाद ही इसको चेंज करना पड़ेगा। ये सबका अलग अलग मॉडल आता है, ये बागबन स्ट्रीट का है, बागबन स्ट्रीट का BMG लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग BGM लिखा हुआ है। तो सबका अलग अलग आता है, सब मॉडल का अलग अलग आता है। ये Version 4 है, हैजेट फ्लैशर है, इसका 2 साल का वारंटी आता है। ये पीछे इंस्टॉल होगा, इसका जो सीट का जो जो लॉक है वो भी खोलना पड़ रहा है, देख लो आप लोग, और बहुत अच्छे से ध्यान से खोलने के लिए बोलना, और आप जो खुद खोलोगे तो बहुत ध्यान से खोलना, क्योंकि नट अगर फिसल गया तो उसका माथा नष्ट हो सकता है, इसीलिए आपको वो देख के सही से खोलना पड़ेगा। কোম্পানি কোষে টাইট করা ছিল ঢুকছে না, তাও এবার তো ঢুকে যাওয়ার কথা।
আমি কি বলছি, এটা খুলতে হবে নাকি পিছনের এই চোখটা কিন্তু খুলতে হবে, এলইডি এটা খুলতে হবে, ওটা খুলতে গেলে পুরো লাইটটা করতে হবে, পুরো আপনি কুছ নেই শুননা ऐसे होगा, प्लास लेके ऐसे करना पड़ेगा, अंदर करता अरे प्लास जा रहा था ना लावा तो मां सीने होगा नहीं होगा हां धुनी का दूसरा हाथ से नहीं हां ये एक तो हां आधा खोल दिया है इसको बोले इसको बोल कला बड़े बोल तो पतला लड़का को मैंने हाथ धो लेता अरे बच्चा टाइप का खोलने के लिए उसको समझ में आएगा तब ना खुलेगा घुमा नहीं दिया तो क्या देखो खुल नहीं जाएगा ना लॉक है देखिए लॉक हुआ अच्छा लॉक हो गया ना अंदर घुसा के ट्विस्ट আমার হাত ঢুকে যাবে ছোট হাতে ওনার হাত ঢুকে যাবে এবার ঢুকে যাবে দেখো এই দেখো এই তো চলে গেছে হাত এই তো চলে গেছে হ্যাঁ টুইস্ট করতে হবে আরে উল্টো করে ঢোকাতে হবে এরমভাবে হাত পাতো যেরকম সেরমভাবে रोड का है दे रोड नहीं देता तो आराम से अभी तक लग गया इतना देखा काट फिलिंग करा देखा काट के बगल में लगा देता है कंपनी बोले यार अंदर में भी स्क्रू है अंदर के अंदर में भी स्क्रू है ये क्या है वहाँ पे स्क्रू है तो वो अंदर से प्लास खराब हो जाता है
एक तो खुल जाएगा इधर वाला, उधर वाला ही उठा लेना, उठा लेना। क्या उठा ले? इसको उठा लेना। इसको उठाने से थोड़ी ना होगा। हाँ हो जाएगा। बॉडी उठा ले, बॉडी इसको खोलने, बॉडी उठा ले, बॉडी तीन तो खोलने से तब बॉडी उठा, इसको खोल दिया तो वहाँ से गल जाएगा। नहीं गलेगा नहीं, बॉडी उठा ले, बॉडी उठेगा जंतर लाड़ है, एलिकॉल जंतर लाड़ है, पेड़ा वाला जंतर लाड़ है, हाइड्रोलिक्स हाइड्रोलिक्स। अरे यहाँ पे स्क्रू है, खुलेगा नहीं, इधर स्क्रू है, इधर स्क्रू नहीं, वो नहीं, ये तो खोल दिया, अब घुस गया ना उधर का, इधर का तो क्लियर है, इधर मां डूब जाएगा, लेकिन इधर में तो इतना ही ताम झाम दे दिया। पैसा लोग तो लग रहा हमको बोला, अरे खुलते खुलले तो बड़ा लगाते पड़बे ना के रेंज दिए खुलले लगाते पड़बे ना, तो कोनटा रेंज दिए खुलले लगाते पड़बे ना, ये टैंकी रेटा खुल दो, टैंकी रेटा जान खुल दो, अब बाल लगाओ बाल, ऐसा जगह में दिया है चाप को, दा काजी ने जो चाप को दई दी पा, মালটা ওটা খুলতে গিয়ে সমস্যা, মানে হাট ঢুকছে না, এপারটা খুলতে হবে, খোল দিয়া ফাঁস নেই রা, ফাঁস নেই রা, ওরকমই লাগাবে, সুই সুইচ ওরকমই লাগাবে, 5 মিনিটে করে দেবে, ভালো সুইচ কেটে দাও, তুমি করেছিলাম হেলমেট করে যে 14 পর থেকে দেখি শুরু হচ্ছে, মেটালে নিয়ে নাও, মেটালে কোনো লাল সুইচ নেই, বলবো মেটালে লাল সুইচ, लेकिन इसको लगेगा कैसे यार, खोल जल्दी खोल, इधर का लगा देंगे आप, पाँच दवा खोल, खाली उठेगा भेंगे जाएगा वो प्लास्टिकेट तो बेची दिए, একটা ইন্ডিকেটর বসবে যে না, এত তামঝাম হয়ে গেল, হাতি ঢুকছে না স্যার, হ্যাঁ এইটা দিয়ে দিচ্ছে বিনা বদলে, এখানে আবার নিচে দিয়ে, হ্যাঁ তো এটা কি করবো, এখানে ঢুকে যে এটা ঢুকে গেছে পুরো, না এটা ঢোকাই না, এটা হাত ঢোকাতে হবে, হ্যাঁ তাই বলছি, এটা ঢোকাতে হবে, হয়ে যাবে হয়ে যাবে হয়ে যাবে, এখানে ইয়ে করা আছে হয়তো কোথাও, এখানে খোলেনি তো, এখানে খোলেনি, এখানে খোলে, এখানে খোলেনি, এই জায়গাটা এটা খোলেনি তো, এটা খুলছিল তো নাকি, ঠিক আছে।
ওটা কি কেটে গেল? ঘুরে গেছে আর ঘুরবে না, এখান থেকে ঘুরে দেখিয়ে ঘুরেছি। হাত ঘুরছে না তো, আটা খুলতে হবে না, উপরে ঢাকনাটা যদি খুলে উঠলে। ঢুকে গেছে হাত, দেখুন এবার তো ঢুকছে, লেকিন কি ঘোরাতে তো হবে, ওটা ব্যালেন্স চাই তো, ঘুরছে না। আমিও দিন হলো এটা খুলেছিলাম রে, না ঠিক আছে এটা খুললে তবে খুললাম, ঠিক আছে এই তো এটা পুসিং আছে, পুসিং ঠিক আছে আগে লাগিনি না, লাইট লাইট লাগিয়ে পুসিং এইটা আমার হাতে দেন। ঢোকেনি, এটা যাবে না তো আমি বলছি কি যে লাগানোর আগে একবার চেক করে নেওয়া উচিত না, চেক করো কিভাবে চেক করবো, ইন্ডিয়ার জানি দেখো না, অসুবিধা হবে না তো, ইন্ডিয়ার জানি দেখো জ্বলছে জ্বলছে, সামনেরটা জ্বলছে না দাদা, এইগুলো ছিল মনে হচ্ছে, এইগুলো ছিল, এই দুটো ছিল এখানে ছিল, এটা এখানটা এটা ছিল।
সামনেটা নেই জ্বলছে, সামনেটা জ্বলছে না কিন্তু। সামনেটা জ্বলছে না, ওটা জ্বলবে তো? হ্যাঁ গো সব জ্বলবে বাবা, তুমিটা এত হাঁকপাক করলে হবে? এইটা লাগাতে হবে। না না আমি বলছি কিছু, ওইটা লাগাতে হবে। এখানটা এটা অন্য ওটা তিনটে তো নেই হো রা সামনে বালা নেই চাল।
এখানে সব ঢোকানো হয়েছে তো ঠিকঠাক, খুলে যায় ঢিলা হয়ে যায়নি তো? চালু অবস্থায় করলে কিছু হবে না তো? ওয়ারেন্টি লস হয়ে যাবে এরকম কিছু হয় না তো বাবা? এবার পিছনেরটা দেখি, পিছনেরটা হ্যাঁ চলছে। হ্যাঁ জ্বলছে। এক সেকেন্ড